Hello friends, welcome to my YouTube channel MD Alam and I am MD Alam. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले तो काफी देर के बाद वीडियो डाल रहा हूँ. I was not well. तो जहां छोड़ा था उससे शुरू करते हैं. है वर्ब से शुरू करते हैं, राइट. ये भी छोड़ा था, उम्मीद है आपको याद होगा लास्ट वीडियो. वर्ब वर्ब दो तरह की है, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था आपको दो तरह की, मेन हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल्स. मेन हेल्पिंग वर्ब है बेसिकली बी, इसके अलग अलग फॉर्म है. इसी तरह डू है, देन हैव है, इसके भी अलग अलग रूप है. और मॉडल्स हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज टू, राइट. इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. तो आ जाते हैं मेन वर्ब पे. मेन वर्ब इसलिए पहले करवा रहा हूं आपको कि ये वर्ब के फॉर्म्स करने बड़े जरूरी हैं, तभी जाके हम बाकी सेंटेंसेस इजिली बना पाएंगे, राइट. तो आ जाते हैं. मेन वर्ब बेसिकली दो तरह के होते हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट. कोई फ्यूचर वर्ब नहीं होता है. हम मॉडल्स के हेल्प के साथ प्रेजेंट के साथ विल, शैल लगाकर फ्यूचर वर्ब बनाते हैं. कीप इन माइंड फ्यूचर टेंस बनाते हैं. तो वर्ब दो तरह के हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट. अगर प्रेजेंट वर्ब की बात करते हैं तो प्रेजेंट वर्ब दो तीन तरह के हैं. प्रेजेंट जो कि बेस रूप में आता है, फिर प्रेजेंट सिंगुलर रूप में आता है जो एस और यस के साथ यूज होता है, एस और यस, एंड प्रेजेंट आई एन जी के साथ, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं. इसी तरह पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल. अगर हम पढ़ते हैं जो थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं इस प्रकार, प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म, और ये सेकेंड फॉर्म हमारा है, इसको हम वी वन भी कह देते हैं, इसको वी टू, और इसको थर्ड यानी के वी थ्री कहते हैं. ये दो फॉर्म नॉर्मली नहीं पढ़ाए जाते हैं. कीप इन माइंड ये इसलिए नहीं पढ़ाए जाते हैं कि फर्स्ट फॉर्म से इजिली जज कर किया जाता है, लेकिन अदरवाइज अगर पढ़ते हैं सही मायने में तो वर्ब के पांच फॉर्म्स होते हैं. प्रेजेंट, प्रेजेंट जो सिंगुलर के लिए यूज होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, एस और यस वाला, और प्रेजेंट आई एन जी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल. आगे इनकी मीनिंग निकालना सीखते हैं. कैसे मीनिंग आप हिंदी में इजिली निकाल सकते हो इनका मीनिंग. प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना, खेलना. प्लेस का मतलब होता है खेलता है, खेलता है. कीप इन माइंड के जब प्लेस आ जाएगा, एस और यस लग जाएगा वर्ब का, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज होता है और कहीं यूज नहीं होता. कीप इन माइंड. एंड प्लेइंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, पर यहां पे अगर इज एम आ रहा है तो खेल रहा है आएगा, अगर वाज वर है तो खेल रहा था आएगा, और विल बी शैल बी है तो खेल रहा होगा आएगा. कीप इन माइंड. और खेल रहा आ गया, इसका मतलब खेल रहा. और प्लेड पास्ट है, खेला, एंड दिस प्लेड खेल चुका, खेल चुका. तो इस तरह से हमने मीनिंग निकालना है वर्ब का. कीप इन माइंड अगेन आई टेल यू, प्ले खेलना, प्लेस खेलता है, प्लेइंग खेल रहा, प्लेड खेला, प्लेड खेल लिया या खेल चुका, राइट. इसी तरह से और वर्ब है रीड, पढ़ना, रीड्स पढ़ता है या पढ़ती है, रीडिंग पढ़ रहा, नहीं पढ़ रहा है नहीं कहना है, या पढ़ रहा था नहीं कहेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा उसके हिसाब से टेंस के अकॉर्डिंग ये पढ़ रहा है या था या होगा होगा. आई एम सॉरी. रेड एंड रेड, दिस इज ऑल्सो स्पेलिंग वुड बी सेम. रेड पढ़ा, पढ़ चुका. राइट लिखना, राइट्स लिखता है या लिखती है. राइटिंग लिख रहा, रोट लिखा, रिटर्न लिख चुका या लिख लिया. तो इस तरह से वर्ब के बारे में आपको पता होना चाहिए. आपने डेली तकरीबन 20 से 30 वर्ब, नहीं तो कम से कम 10 वर्ब करना है, और ताकि आगे जब हम टेंसेस सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे टेंसेस में तो आपके लिए बड़ा इजी रहेगा. उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको समझ आया. इसके ऊपर आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और जैसा आपको चाहिए वीडियो उस हिसाब से कमेंट करें ताकि मैं वैसा वीडियो आपके लिए बना सकूं. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.